दोस्तों आज हम बात करेंगे आदिमानव की। आदिमानव की जिंदगी पूरी तरह प्रकाश से जुड़े थे। आदिमानव किसी जंतु से कम नहीं थे, वो प्रकृति के गुलाम थे। जो भी प्रकृति उनके सामने परोसती उसे वो खा लेते थे। मौसम की मार झेलते थे, रात के अंधेरे से डरते थे और रात बिताने के लिए गुफाओं का सहारा लेते थे। मचान बांधकर उसी पर लेट जाते थे। धरती पर हरियाली की चादर पे रंग बिरंगे फूल बिखरे थे, तो वहीं शाम ढलते सूरज के इर्द गिर्द बिखरी लालिमा, दिन में नीले आसमान की चादर, रात में चांद तारे, वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष की छटा, ये सब चीजें उसे सुख और शांति प्रदान करते और प्रकृति के बंधनों के मुक्त होने की बेइंतहा चाहत उसे हर चीज को काफी उत्सुकता से देखने पर विवश करते थे। वो हर चीज को समझने और जानने की कोशिश करता था और इसी तलाश में आदिमानव ने एक दिन पत्थरों को आपस में रगड़कर आग पैदा करने का तरीका निकाल लिया। मानवीय सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में ये पहली क्रांति थी जिसकी शुरुआत रोशनी में हुई। अब आदिमानव को सूरज ढलने पर दौड़कर अपने आशियाने में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास अब अंधेरे को दूर भगाने वाला रोशनी नाम का औजार था। वो अलाव जलाकर अपने परिवार और साथियों के साथ देर तक समय बिता सकता था, जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेकर इधर से उधर जा सकता था और अंधेरे के डर से आजाद होकर धरती पर चैन की नींद सो सकता था। धीरे धीरे वो समय भी आया जब ये लोग आर्टिफिशियल रोशनी के सहारे जीना सीखने लगे। तेल के दिए और चर्बी में डूबे मशाल लेकर मनुष्य अब रात में भी अपने काम करने लगा। इनके लिए अब दिन 12 घंटे का नहीं बल्कि 24 घंटे का हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि इस लंबी क्रांति को आने में एक लंबा समय लग गया, लेकिन समय को न्यूटन और गैलीलियो का इंतजार करना पड़ा। फिर दूरबीनों का निर्माण हुआ जिसने आकाश के रहस्यों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। अब इनका विज्ञान और संस्कृति से नाता जुड़ने लगा था। सिर्फ एक रोशनी के सहारे मनुष्य जल थल मार्गों से दूर देशों की यात्रा करने लग गया था, पर्वतों पर चढ़ने लग गया था, कोयले के खानों की खोज करने लग गया था। लेकिन इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब बिजली का आविष्कार हुआ। यूनानी और सीरियाई, बेबीलोनियाई, मिस्री और भारतीय संस्कृति सूर्य और अग्नि को देवता मानकर पूजते हैं। दीप ज्योति ज्ञान और प्रेम, आनंद और शुभकामनाओं का प्रतीक रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इंसानों की उत्पत्ति हुई कैसे, तो बताते हैं डायनासोर के बारे में। इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। दरअसल आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान एकदम गिर गया और पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया। दोस्तों यहीं से डायनासोर का काल भी खत्म हो गया था, लेकिन डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति की शुरुआत थी और ये नई प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। केवल यही वो जीव थे जिन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। काफी ज्यादा गर्मी से सेफ रहने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के बाद धरती धीरे धीरे अपने पहले वाले रंग रूप में आने लगी थी। फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और पृथ्वी पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें अडॉप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से काफी सारी नई प्रजातियां जन्म होने लगी थी। यूसिन एपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आनी शुरू हुई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थीं। इसी काल में प्राइमेट्स में सर के अंदर एक इम्पोर्टेंट एवोल्यूशन हुआ। इनके स्पाइनल कॉर्ड को इनके दिमाग से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं, वहां स्कल के पिछले हिस्से के बेस से अंदर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थे। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए थे। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जिससे धरती के 2 महाद्वीपों का एक दूसरे से आमना सामना हुआ। ये वही भूभाग हैं जहां आज हम इंडियंस रहते हैं, यानी कि इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसे पहाड़ खड़े होने लगे थे। ये वही पर्वतमाला है जिसे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट के रूप में। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लग गया था, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगे थे। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाली बर्फ ने आगे चलकर कई नदियों का निर्माण किया। ये वही नदियां थी जिनसे आज हमारी आधे से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मिलता है। ओब्लियोसीन एपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई जिससे घास के मैदान बढ़ने लग गए थे और जंगल घटने लगे थे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रह सकते थे और इन्हीं के साथ साथ दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लग गई थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप जाने पहचाने से ही थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मॉनसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी लगे कि आप कितनी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।